हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव है ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइव है ब्रो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले मूंग बीन स्पीड एप्लीकेशन के बारे में। ये एक VPN एप्लीकेशन है जो हाल ही में लॉन्च हुआ था दोस्तों। बात करें हम 29 मार्च 2022 को लॉन्च हुआ था और 8 अप्रैल 2022 को अपडेट भी हो चुका है और इसको 5000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, इसको यूज करके हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसको सर्वर कैसे कनेक्ट किया जाने वाला है या क्या आईडी वैन होगी इस एप्लीकेशन को यूज करके कि नहीं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर दिया दोस्तों ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सको। यहाँ पर ऊपर साइड आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता होगा, सेटिंग पर आप क्लिक करोगे तो पहले प्लीज कनेक्ट द VPN फर्स्ट। तो हमको यहाँ पर सर्वर पहले कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो हमको यहाँ पे देख रहे दोस्तों चेंज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे वर्ल्ड के सर्वर देखने को मिलते हैं, तो हमको कोई भी सर्वर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको कोई भी एक सर्वर कनेक्ट कर लेना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सर्वर कनेक्ट किया, कोई भी एक सर्वर सेलेक्ट करके आपको भी जो भी सर्वर सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। तो उसी तरीके से आपको भी सर्वर सेलेक्ट कर लेना है और आपको भी सर्वर को बड़े आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक सर्वर को कनेक्ट कर लिया है, अब देखते हैं सर्वर कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। दोस्तों अभी सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ, तो चलिए हम यहाँ पर दूसरा सर्वर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनाइटेड स्टेट के फर्स्ट वाले सर्वर पर क्लिक किया और यहाँ देख सकते हो सर्वर कनेक्टिंग हो चुका है, नोटिफिकेशन भी हमको आ गई है और 2 घंटे का टाइम हमको मिल गया है। अब मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आपको 2 घंटे ज़्यादा इस एप्लीकेशन को यूज़ करना था, बड़े आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह हमको देखने के लिए मिलती है, तो थोड़ी देर हमको एडवर्टाइजिंग को देख लेना है और उसके बाद में फिर हमको उसको एडवर्टाइजिंग को हटा देना है। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 2 घंटे टाइम हमको आ जाता है और हम 2 घंटे ज़्यादा इसको एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको टाइम लिमिट नहीं है बल्कि अनलिमिटेड इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम 2 घंटे का टाइम अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 घंटे का टाइम बढ़ चुका है, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इंशाल्लाह हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे और आपको बताएंगे कैसे इस एप्लीकेशन को सही तरीके से यूज़ करना है। दोस्तों यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, सेटिंग के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो सर्वर की बात करो तो आपको सर्वर भी देखने के लिए मिलता है।